हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फार्म। मैं आप सभी का अपने एग्रीगेट एग्रो फार्म्स पे आप सभी का वेलकम करता हूं। एंड माय फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये मैं आपको इस वीडियो के में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा अपनी बहुत ही ब्यूटीफुल फीमेल पपीज़ के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग क्वालिटी के फीमेल पपीज़ है और जिनके जो बिलोंग करते हैं वर्ल्ड की बहुत ही बेस्ट ब्लड लाइंस के साथ। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाया था माय फ्रेंड्स, बट उसमें क्या है ना कि जो भी मेरे मेल थे, मेल पपीज़ ऑलरेडी मेरे पास इस लीटर के सारे बुक हो चुके हैं, तो इस लीटर में मेरे पास कोई भी अभी मेल पपी अवेलेबल नहीं है। और इस लीटर में मेरे पास फीमेल्स की बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी, तो फीमेल्स के लिए लोग मुझे पर्सनल वीडियोस मांग रहे थे, तो उस चीज़ को देखते हुए मैं आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें ओनली फॉर मैं अपनी फीमेल पपीज़ के साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और फीमेल पपीज़ इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोगों को भी पता है कि अगर हम एज ए पैट ओनर हैं और पैट ओनर के साथ हम लोग बड़े कई बार पज़ल हो जाते हैं कि हमें मेल लेना चाहिए या फीमेल लेना चाहिए, इसी के लिए मैंने अपनी चैनल पे अपने पीछे एक वीडियो अपलोड की थी कि इम्पोर्टेंस ऑफ फीमेल डॉग। तो अगर आपको फीमेल की इम्पोर्टेंस को जानना है तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरी वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और बाकी फीमेल की अगर मैं थोड़ी अगर क्वालिटीज़ की बात करूँ कंपेरिजन टू मेल, तो मेल के कंपेरिजन में फ़ीमेल पालना बहुत ज़्यादा बेटर है, बिकॉज ऑफ दैट कि फ़ीमेल बहुत ही काम नेचर की होती है, बहुत ही इमोशनली अटैच होती है, इजीली हैंडल आप कर सकते हो, इजीली ट्रेन कर सकते हो। तो इसमें मैं आपके साथ फीमेल पपीज़ इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जिसमें अभी मेरे पास 4 फीमेल पपीज़ अवेलेबल है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 1-to-1 फीमेल के साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अगर मेरा कोई भी फ्रेंड अगर किसी भी फीमेल पपी के लिए इंटरेस्टेड हो, तो उसकी मार्किंग के लिए हमने इनके नेक के ऊपर रिबन्स डाले हुए हैं, तो अगर कोई भी मेरा फ्रेंड किसी भी पर्टिकुलर फीमेल पपी को सिलेक्ट करता है तो वो हमें रिबन की पहचान करके हमें बता सकता है। और आइए अभी हम लोग आपको अपनी फीमेल पपीज़ के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसमें मैं आपको जो फीमेल पपी दिखा रहा हूँ माय फ्रेंड्स, ये है फीमेल पपी नंबर 1। आप जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये फीमेल बहुत ही ज़्यादा यूनिक क्वालिटी का फीमेल पपी है और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक। अगर आप फीमेल्स की बोन देखोगे एंड आप इसका बॉडी स्ट्रक्चर, इसका फ्रंट एंड इसका हेड प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल फीमेल पपी है माय फ्रेंड्स। आप बोन देखोगे, आप नेक की प्रोफाइल, मजल का साइज़ बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट है और बॉडी की लेंथ नाउ अप्रोक्स द एज की अगर मैं बात करूँ तो जो पपीज़ हैं अभी ये 50 डेज़ के हो गए हैं। 50 डेज़ के अंदर आप इनका साइज़ देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग क्वालिटी के पपीज़ है, साइज़ बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत अच्छी कन्फर्मेशन के पपीज़ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है फीमेल पपी नंबर 1। आप इसका बोन साइज़ देखिए, आप इसका फ्रंट देखिए, आप नेक प्रोफाइल एंड ऑल देखोगे, तो जो फीमेल पपी है ये कोई भी इंडिविजुअल अगर शोज़ करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो ये फीमेल पपी शोज़ प्लस ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट पपी है। तो अगर इस फीमेल पपी के लिए अगर कोई भी इंडिविजुअल इंटरेस्टेड हो तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या मैसेज के थ्रू भी हमसे बात कर सकते हैं। तो माई फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको फीमेल पपी नंबर 1 दिखाया, अभी मैं आपको अपने सेकेंड पपी से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी जो मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ वो है फीमेल पपी नंबर 2। ये फीमेल पपी नंबर 2 है जिसके ऊपर हमने जो मार्किंग की है वो ब्लैक रिबन से की है। और अब जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसका जो बॉडी का जो कन्फर्मेशन है, जो ब्रॉडनेस है पपी की, बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग पपी है। आप फ्रंट देखिए, अभी से आप इसकी मस्कुलरिटी देखिए, नेक की लेंथ एंड नेक प्रोफाइल देखिए, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट है। और अगर मैं हेड की बात करूँ तो हेड की जो कन्फर्मेशन है बहुत ही ज़्यादा यूनिक, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हेड कन्फर्मेशन का ये पपी है। और आप देखिए, मार्किंग देखेंगे, पिगमेंटेशन देखेंगे तो बहुत ही परफेक्ट पिगमेंटेशन है इसकी। और अगर मैं बाइट की बात करूँ तो इस एज में भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट सीज़र बाइट है। अगर आप वीडियो के दौरान देख पा रहे हो तो आप ये चीज़ देख सकते हो, एकदम सीज़र बाइट है। और पपी की जो लेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लेंथ है, हाइट बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हाइट है। आने वाले टाइम में बहुत ही ब्यूटीफुल फीमेल पपी ये बन के आएगा, जिसके अंदर आप इसको शोज़ वगैरह या ब्रीडिंग में बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माय फ्रेंड्स, ये था फीमेल पपी नंबर 2। अभी मैं आपको नेक्स्ट पपी के साथ इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ अपने फीमेल पपी नंबर 3 के साथ, जिसकी मार्किंग हमने इस कलर के रिबन के साथ की हुई है। एंड जैसा कि आप देखोगे, ये पपी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पपी है। आप इसकी भी अगर बाइट देखोगे तो बाइट एकदम कम्प्लीट सीज़र बाइट है, किसी भी प्रकार का बाइट फॉल्ट नहीं है। और जैसा कि आप जानते हो कि रफ हाउस कैनल अपनी क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, क्वालिटी के अंदर वो हमने जितना भी आज तक काम किया है, हम अपनी ब्लड लाइंस को फोकस करके काम करते हैं और हम गारंटी देते हैं, श्योरिटी देते हैं हर एक तरीके के। अगर हमारे पपीज़ में किसी भी प्रकार की जेनेटिकली डिफॉर्मेशंस आते हैं तो वी आर 100% रिस्पॉन्सिबल। ये हमारे पपीज़ हैं जिनमें किसी भी प्रकार के फॉल्ट नहीं है, कोई जेनेटिकल इश्यूज़ नहीं है।
100% परफेक्ट मजल, स्ट्रोंग जोज। आप जो देखोगे, आप हेड की जो प्रोफाइल देखेंगे, नेक देखेंगे, पर फ्रंट देखेंगे, बोन का साइज देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट है। एक से बढ़ के एक पपीज है ये, जैसा कि आप देख पा रहे हो वीडियो में। आप स्टैक पोजीशन देखेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल पपी है ये, जिसको आप शोज में, इसके साथ आप शोज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल पपी है। तो माय फ्रेंड्स, ये था पपी नंबर 3 जो मैं आपको अभी मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया। मैं आपको अपने नेक्स्ट पपी के साथ इंट्रोड्यूस करवाता, अभी मैं आपको वीडियो में इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ अपने पपी नंबर, फीमेल पपी नंबर 4 के साथ। जितने भी अभी तक मैंने आपको वीडियो में पपीज़ दिखाए, वो सारे के सारे फीमेल थे। फर्स्ट 3 फीमेल्स मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये पपी नंबर 4 है जो आप देख पा रहे हैं, और बहुत ही परफेक्ट साइज, परफेक्ट मजल, परफेक्ट हेड प्रोफाइल, स्क्वायर हेड है। आप नेक की प्रोफाइल, नेक की आप लेंथ देखेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल नेक की लेंथ है। आप साइड पोस्चर में, आगे पोज में अगर आप देखोगे तो आप मजल देखोगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मजल है, एंड फ्रंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा चेस्ट है, कन्फर्मेशन बहुत ज़्यादा अच्छी। अगर आप इस एज में मस्कुलरिटी देखेंगे तो बहुत अच्छी एक मस्कुलर फीमेल है, बोन साइज बहुत ही अच्छा है। और ये फीमेल पपी नंबर 4 है जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, और अगर आप बॉडी का साइज़ देखेंगे, कन्फर्मेशन देखेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल पपी है माय फ्रेंड्स। तो ये है फीमेल पपी नंबर 4 जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको अपने 4 फीमेल पपीज़ के साथ इंट्रोड्यूस कराया। अभी आप देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल हेड मजल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेस्टन्स वगैरह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रियर हॉक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसी भी प्रकार का फॉल्ट नहीं है, 100% परफेक्ट बाइट है, सीजर बाइट है। तो माय फ्रेंड्स, मैंने अभी अपनी वीडियो के दौरान आपको अपने 4 फीमेल पपीज़ के साथ इंट्रोड्यूस कराया। तो जो भी मेरा फ्रेंड इंटरेस्टेड हो इनमें से किसी भी पपी को लेने के लिए, तो आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो या व्हाट्सएप के थ्रू हमें मैसेज भी कर सकते हो। जो हमारा मोबाइल नंबर है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और माय फ्रेंड्स, मैं आपसे भी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस भी मेरे फ्रेंड ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।